हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, उसके क्वेश्चन को एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ द बेसिक पॉइंट लेके आया हूं जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इतने पॉइंट पर अगर आपका कमांड है, एकदम कंसेप्ट अगर इसका क्लियर है, तो आप डिफरेंशिएशन के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली कर लोगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि कहीं पे भी डी वाई वाई डी एक्स लिखा हुआ, देखो वेरी बेसिक है लेकिन समझना। तो कहने मतलब नीचे जो होता है, नीचे जो होगा वाई उसी का फंक्शन होना चाहिए, वाई शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स। नीचे जो रहेगा, अगर यहाँ पे वाई होता तो ये ऊपर वाला वाई का फंक्शन होता, अगर यहाँ पे जेड है नीचे में तो ऊपर वाला जेड का फंक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ जेड वेरिएबल होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, तभी डिफ्रेंशिएशन हो पाएगा, राइट। इसी को डिफरेंट फॉर्म में एफ डैश एक्स लिख सकते हैं या वाई वन लिख सकते हैं। तो एक जो बेसिक पॉइंट है कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो dy वाई बाई डी एक्स निकालना। तो ध्यान से देखो dy वाई बाई डी एक्स, एक्स नीचे था तो फंक्शन ऑफ y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो जो भी पावर होगा x पे वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और x पे क्या कर देना है, पावर एक कम कर देना है। बात समझ में आ गए, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और x पे उस पावर में से एक कम कर देना, तो ये वेरी बेसिक है। पॉइंट नंबर टू जो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, डैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वाई टू से। इसका क्या मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स जो एफ डैश एक्स है या वाई वन है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर थ्री, डैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैन रूल ये आपको लगाना आना चाहिए। जैसे कहीं पे फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, तो इस पूरे को अगर मैं एक थीटा एज्यूम करता हूँ तो डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, कॉस, तो ये पूरा लिख देना है। फिर उसके बाद अंदर में जाना, तो अंदर में जाना तो 2x मिला, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 1 हो जाएगा, राइट। फिर 3 का डिफरेंशिएशन 0, ये इसीलिए मैंने दिखाया, कहना मतलब कि आपको तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना जब तक कि आप लास्ट पे ना पहुँच जाओ। इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलूँगा, जब तक डिफरेंशिएट करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। डैट मीन्स जैसे एक और एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिया अगर हमने, तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा और ये चीज़ ऐसी रहेंगी। फिर उसके बाद अंदर में जाएंगे तो जी मिलेगा, तो जी डैश का डिफरेंशिएशन। फिर अंदर में जाएंगे तो एच मिलेगा, तो एच का डिफरेंशिएशन। फिर अंदर में जाएंगे तो एक्स मिलेगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन। चैन रूल का यही मतलब, अगर बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। चैन रूल का मतलब है जब तक डिफरेंशिएट करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पहले इस पूरे को एक एज्यूम किया कि फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव, फिर जब इसका हो गया तो फिर अंदर वाले का, फिर उसके अंदर एंड सो ऑन लास्ट तक पहुँचना है। क्लियर है पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पर अगर इस टाइप से लिखा हुआ है डैट मीन्स सेम चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, एक को छोड़ करके बाकी जितना बचा उसको मान लेंगे वाई। क्यों, वेरी बेसिक समझो, समुंदर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल ले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसा ही ये जो इतना था तो इतना को फिर से हमने वाई मान लिया, मतलब इसको सिर्फ निकाल दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, और ये पूरा को फिर से क्या मान लिया, वाई। तो इस टाइप का भी बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पॉइंट पे मैं बस इतना ही चीज़ कहूँगा कि समुंदर में से अगर कुछ निकाल लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको फिर से y के बराबर एज्यूम कर लेना है। तो पॉइंट नंबर फोर क्लियर हो चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि कभी भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है या डिवीज़न में आ रहा है, तो ऐसे केस में एक ही काम करना, आपको दोनों साइड लॉग ले लेना है। क्यों, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, लॉग लेने से वो फंक्शन अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो एडिशन में आ जाएगा, डिवीज़न होगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो इससे हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे y इज इक्वल टू दिस इंटू दिस है, तो मैं क्या करूँगा डिफरेंशिएट करने के लिए, लॉग ले लूँगा दोनों साइड, तो ये तो लॉग y हो जाएगा, ये लॉग a इंटू b है तो लॉग a प्लस b आ जाएगा। ये कहने का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंसेप्ट भी बार बार यूज करूँगा, ये जितने भी लिखा हमने इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा या आपको भी सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर सिक्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सब जानते हैं कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने दो, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस फिर अब क्या करेंगे, चूंकि दूसरे फंक्शन का कर दिया तो दूसरे फंक्शन को एज इट इज रहने दो और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ये वेरी बेसिक है, आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे ही अगर डिवीज़न में है, अगर फंक्शन डिवीज़न में है तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना, ध्यान रहे नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करना है,
और इसी फंक्शन नीचे वाले फंक्शन को पहले एज इट इज़ रहने देना, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। फिर यहाँ पे ध्यान दें माइनस साइन आएगा। अब चूंकि आपने ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया है तो अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो ये पहले 6 पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन सबको कंसेप्चुअल वे में मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट डेट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टिर्गो के फॉर्मूले या कंसेप्ट यूज होंगे, उसको मैंने इधर लिखा है। जैसे वेरी बेसिक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, या फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या फिर एक और क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो ये सब का जो सम होगा वो किसके बराबर होता है, पाई बाई टू के। वेरी वेरी सिंपल, 90 डिग्री के बराबर। ध्यान रहे कि एंगल सेम होना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, ये चीज़ बस ध्यान रखना है। तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, टैन कॉट का और कॉसेक सेक का, तो इनवर्स है, ये भी ध्यान रहे। तो ये वैल्यू पाई बाई टू होता है, बहुत जगह पर यूज करेंगे, क्लियर होना चाहिए। वैसे ही ये सबको मालूम होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। वैसे ही वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान रहे, डिफ्रेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस होगा जिसमें सी लगा होगा तो उसमें माइनस आ जाएगा, वन अपॉन रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स में वन अपॉन रूट अंडर ऑफ वन, यहाँ पे रूट नहीं है, ध्यान दे। तो ये सब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन है, कॉस इनवर्स एक्स का और टैन इनवर्स एक्स का, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो ध्यान रखना, इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको भी बहुत बार यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे प्लस है तो ध्यान दें यहाँ पे भी प्लस आएगा। लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे, ए और बी को इक्वल एंगल बना देंगे। तो जैसे इसको भी ए ले लिया, इसको भी ए ले लिया, तो क्या हो गया, साइन टू ए। तो साइन टू ए क्या हो गया, ध्यान से देखो, साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए, इस टाइप का हो गया, मतलब टू साइन ए कॉस ए हो गया। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिक जो फॉर्मूला वो मैंने ये लिखा है, राइट। वैसे ही कॉस ए प्लस बी होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी, बट यहाँ पे माइनस है साइन ए इंटू साइन बी, ये काफ़ी बार यूज होंगे, ध्यान रखना। वैसे ही टेन ऑफ ए प्लस बी, तो प्लस है तो ऊपर में प्लस होगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार यूज होंगे। वैसे ही कहीं पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो, अगर मैं कॉस एक्स से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स, वन प्लस टेन एक्स, और यहाँ पे ध्यान से देखो यही हो गया यार, इसको वन को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन पाई फोर इंटू टेन एक्स, राइट। तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पे गिवन हो, ये गिवन हो, डायरेक्ट आपको यहाँ तक आ जाना है, राइट। सिमिलरली अगर कहीं पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी हो, ध्यान रहे प्लस है तो ऊपर में भी प्लस रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो ध्यान रखना है और कैसे याद रखना है वो आइडिया बताया। वैसे ही tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, डायरेक्ट याद रखना है, sec x का sec x इंटू टेन एक्स होता है और sin x का cos x होगा, जिसमें जैसे cos x का निकालना होगा तो फिर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जिसमें c आएगा उसमें माइनस कर देना। तो ये सारे डेरिवेटिव क्लियर होने चाहिए। तो ये जितने भी पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखे हैं, अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है, इस पे अच्छे से कमांड है, तो आप फिर डिफ्रेंशिएशन से आने वाले किसी प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर लोगे। क्वेश्चन नंबर वन में इफ़ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ई टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है। तो देखो थिंक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई करने का आइडिया आएगा। रीजन बिहाइंड वी नो ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। और ऐसा क्यों थिंक कर रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाई टू के। तो यहाँ से एक थिंकिंग आइडिया आया, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखूंगा, एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कॉस इनवर्स ऑफ टी, और यू नो ये किसके बराबर हो गया, पाई बाई टू के। तो यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ऑफ ई टू द पावर पाई बाई टू, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ऑलवेज सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करना है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यू इंटू वी रूल लगाऊंगा, यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन, और ये एक कांस्टेंट टर्म है तो जीरो। यहाँ से y डैश क्या आ गया, माइनस में y बाई एक्स, राइट। तो ये एक आ चुका है आपको, हमें क्या निकालना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कि डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट।
तो यहाँ ये y डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स मैं निकाल चुका हूँ, तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगेन u बाई वी रूल लग जाएगा राइट डिफ्रेंशिएशन में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये माइनस साइन पहले से लेके रखो, नीचे वाले फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले फंक्शन, तो वाई डैश, फिर उसके बाद माइनस आएगा राइट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वन इंटू में सेकेंड फंक्शन, यू बाई वी रूल लगा दिया। अब यहाँ से वाई डैश की जगह फिर से मैं पुट करता हूँ माइनस वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स पुट करेंगे, तो ध्यान से देखो एक्स इंटू माइनस में वाई बाई एक्स माइनस में वाई नीचे में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एक्स कैंसर, ये माइनस और ये माइनस वाई, माइनस टू वाई और इधर माइनस लगा हुआ है, तो प्लस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सो योर ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर टू में इफ एफ डैश एक्स इज गिवन टू यू एंड वाई एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स गिवन टू यू, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू वन पे बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे राइट। तो ध्यान से देखो y की जगह ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x, ये हो गया राइट। फिर अंदर घुसेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन चैन रूल लगाना पड़ेगा राइट, तो इनटू में नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाता है स्क्वायर राइट, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन, तो x के आगे कोफिशिएंट 2 माइनस में राइट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो माइनस टू इंटू में ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज टू एक्स प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू वन, तो जब आप पुट करेंगे तो ध्यान से देखो एक्स वन पुट करेंगे तो टू प्लस थ्री फाइव, थ्री माइनस टू वन, तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश ऑफ फाइव इंटू में यहाँ पर पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, वन इंटू टू टू और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फाइव इंटू टू टेन, तो ये आ जाएगा 12, नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये है, तो ये 12 टाइम्स ऑफ f डैश 5, तो यहाँ इसलिए 12 था, और f डैश 5 यहाँ से x की जगह 5 पुट करेंगे तो आप ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ log 5, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री में y इज इक्वल टू इस टाइप से एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स रूट अंडर में चल रहा है, तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स में चल रहे हैं राइट, तो अगर मैं ये निकाल लेता हूँ तो ये चीज़ें फिर से y के बराबर ही हैं राइट, क्यों, क्योंकि समुंदर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मैं इतनी चीज़ को फिर से y लिख दूँ राइट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो y इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x माइनस साइन x, और उतना चीज़ को फिर से मैंने क्या लिख दिया y, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन x प्लस y, आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2y y डैश इज इक्वल टू एस का 1 साइन x का cos x और y का y डैश हो जाएगा, y डैश को इधर ले आओ तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 2y y डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, नीचे डिवाइड में आएंगे 1 माइनस cos x वाला अगर ऑप्शन देखें तो a या c था, और यहाँ से ध्यान से देखो तो y डैश कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 आएगा, तो यहाँ 2y माइनस 1 है, यहाँ तो प्लस 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक आइडिया वही रहेगा, जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो एक टर्म को छोड़ करके बाकी टर्म को फिर से y के बराबर मान ले और सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर फोर में अगर एफ एक्स आपको गिवेन है तो एफ ऑफ टू निकालना है, तो ध्यान से देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे डील करना है, जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव की पावर होगी उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख रहा है लेटेस्ट, तो उतना तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ एक्स तो आपको मालूम ही है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 3x स्क्वायर, ये एफ डैश 1 एक कॉन्स्टेंट है राइट, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू एफ डैश 1, और यहाँ पे x का 1 हो गया तो क्या बच गया f डबल डैश 2 राइट, तो f डैश x आ गया, f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, ये x का 1 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा राइट। अब आपको ध्यान देना है कि f डैश 1 निकालना है, f डबल डैश 2 निकालना है ये वैल्यू, और f ऑफ 2 तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे अगर मैं f डबल डैश 2 x की जगह 2 पुट किया तो यहाँ x की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 हो जाएगा राइट, वैसे ही f डैश 1 चाहिए तो यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो f डैश 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 राइट, और f डबल डैश 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो f डैश 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 की जगह अगर पुट कर देंगे तो 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ f डैश 1,
तो ये 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, और ये 2f-1 तो 4f-1 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो यू नो f-1 एक कम हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ f-1 माइनस में इज इक्वल टू 15, इसीलिए f-1 कितना हो जाएगा -5। f-1 अगर -5 आ गया तो यहाँ पुट कर दो तो ये कितना हो गया -10+2, तो यहाँ से f-2 कितना हो गया ध्यान से देखो तो आपका -10+2 तो 2 हो जाएगा। अब इन सब को यहाँ पुट कर दो तो f(2) आ जाएगा, तो 2 की जगह तो ये कितना हो जाएगा 8, राइट, ये x2 तो 4 टाइम्स ऑफ, और ध्यान रहे f-1 तो -5 प्लस x टाइम्स ऑफ तो 2 टाइम्स ऑफ f(2) तो 2 हो गया, राइट, और प्लस में 6, यहाँ ध्यान से देखो तो ये 4, 6, 10 और 18, 18 - 20 कितना आ जाएगा -2, सो योर ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5 में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बताना। यहाँ पे y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव है, y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे dy/dx। तो साइन इनवर्स x को अगर एक फंक्शन मानेंगे तो ये x² टाइप हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x, राइट, और फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² प्लस फिर अगेन इसका क्या हो जाएगा 2 cos inverse x, cos inverse x का माइनस में √1 - x², राइट। तो ध्यान से देखो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √1 - x², और ये dy/dx को y- अगर लिख देता हूँ 2 कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ध्यान रहे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, u इंटू v रूल लगा सकते हैं, तो रूट x का डेरिवेटिव 1/√x हो जाएगा, फिर x² का माइनस में 2x, राइट, इंटू में y-, फिर प्लस में y" हो जाएगा इंटू फर्स्ट फंक्शन √1 - x², साइन इनवर्स x का 1/√1 - x², कॉस का माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1/√1 - x², ध्यान से देखो ये चीज़ें कॉमन है तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे और इसमें नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे ओनली माइनस में x y-, इधर में y" इंटू 1 - x² इज इक्वल टू 1+1 2 × 2 = 4। तो ध्यान से देखो आपको यही वैल्यू पूछा है, तो बेसिक से चलना है, ऐसा देख करके डरना नहीं है। 1 - x² इंटू y2 यही हो गया, राइट, प्लस इधर है, इधर में माइनस में तो xy-, यही xy-, तो आंसर क्या हो गया अपना 4, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दिस है तो dy/dx एट x = 0 बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में और नीचे डिवाइड में, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, ये आपको आना चाहिए थिंक करने, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाले एडिशन में चले जाएंगे और डिवीजन वाले सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे, तो दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ये यू नो कि पावर 1/3 बनेगा तो 1/3 बाहर जाएंगे, तो 1/3 log 1+3x प्लस 1/4 log 1+4x प्लस 1/5 log 1+5x, और ये डिवीजन में है तो माइनस में आ जाएगा 1/7 log 1+7x माइनस 1/8 log 1+8x हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y (y) इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये 1/3 हो गया, log x का 1/x हो जाएगा, राइट, और फिर 3x का करेंगे तो इंटू में 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 7 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो जस्ट मैं एक और स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ये 1/4 × 4/1+4x हो जाएगा, राइट, प्लस 1/5 × 5/1+5x हो जाएंगे, माइनस 1/7 × 7/1+7x और माइनस 1/8 × 8/1+8x। हमें कहाँ पे निकालना है, x = 0 पे, तो ध्यान से देखो जब आप x को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y 1 आ जाएगा, तो इस टाइप का भी आपको थोड़ा थिंक करना है, क्योंकि x = 0 पुट करना है तो y वैल्यू हमें निकालना था यहाँ पे, तो x = 0 पे y 1 हो जाएगा, तो ये 1/1 × y- जो निकालना ही है, यहाँ पे x पुट करोगे 0 तो ये सब इधर 0 रहेंगे, 1+0 1 ही हो गया, राइट, और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1+1+1 - 1 - 1 हो जाएंगे, तो ये ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा 1, सो योर ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरीके से आपको जब भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हो फंक्शन तो लॉग लेकर के थिंक करना है।
तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपको एक आइडिया दिया हूँ, अप्रोच कैसे करना है वो समझाया हूँ। अब आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।